कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में जो आज टॉपिक हम सीखेंगे वो है परमाणु की संरचना। तो इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि परमाणु किन किन कणों से मिलकर बनता है और परमाणु की संरचना के सिद्धांत में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसी विषय में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं पदार्थ से। हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब पदार्थ से मिलकर बनी है और प्रत्येक वो वस्तु जो कि स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो सबसे छोटी कौन सी चीज है जिससे मिलकर पदार्थ बनते हैं। और इस संदर्भ में जो सबसे पहला जो सिद्धांत अपना दिया वो जिन वैज्ञानिक ने दिया उनका नाम है जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है वो कण परमाणु कहलाते हैं। डाल्टन ने यह भी बताया कि परमाणु को किसी भी रासायनिक क्रिया से या भौतिक क्रिया से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा डाल्टन ने यह बात भी कही कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु बिल्कुल एक से होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो डाल्टन ने परमाणु के विषय में बताई थी। जिस समय डाल्टन ने अपनी ये बात कही उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इन कणों से हम परिचित नहीं थे। डाल्टन की इस थ्योरी के कुछ समय के बाद सर जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद ये बात सामने आई कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब क्योंकि परमाणु उदासीन है तो परमाणु के अंदर अगर ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेशित कण भी अवश्य मौजूद होना चाहिए। और इसके बाद जब रिसर्च हुई और जब खोजें हुई और जब प्रयोग हुए तो इसके बाद जो धनावेशित कण प्रोटॉन है उसकी खोज हुई। और धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज जिन वैज्ञानिक ने की उनका नाम है बच्चों गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की और उसके बाद ये बात सामने आई कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और जब इन दोनों कणों का हमें पता चला उसके बाद सर जे जे थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो जे जे थॉम्सन ने जब अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया तो उन्होंने ये कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। जिस तरह से बॉल होती है उसी तरह से परमाणु एक धनावेशित गोला है और ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें धंसे हुए रहते हैं। ये बात सर जे जे थॉम्सन ने कही थी। और थॉम्सन ने जब अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया तो थॉम्सन ने अपने इस मॉडल की तुलना तरबूज से की। उनका कहना था कि जिस तरह से तरबूज में उसके बीज धंसे होते हैं ठीक इसी प्रकार धनावेशित गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त थॉम्सन ने कहा कि किसी भी परमाणु में जितना धनावेश मौजूद होता है उतना ही ऋणावेश मौजूद होता है और इसीलिए परमाणु उदासीन कण है, यानी कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। ये बात सर जे जे थॉम्सन ने कही थी। लेकिन जे जे थॉम्सन ने जो मॉडल ये परमाणु का दिया था न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद सर थॉम्सन ये नहीं समझा सके कि न्यूट्रॉनों की इस परमाणु की संरचना में ये जो मॉडल उन्होंने दिया था इसमें न्यूट्रॉनों की क्या स्थिति होगी, इस बात को वो समझा नहीं सके। उसके अलावा इनका जो मॉडल था वो स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। तो इन कारणों से जे जे थॉम्सन का ये जो परमाणु का मॉडल था ये फेल हो गया। और इसके बाद न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो अन्य वैज्ञानिकों ने भी परमाणु की संरचना में अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। तो इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो है रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्ण का प्रयोग। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु का मॉडल था वो प्रस्तुत किया।
तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि रदरफोर्ड ने कैसे वो प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकाले।